चैनल वीडियो ऑन द अदर साइड। आई होप आप लोग अपने सबके घर में सेफ एंड साउंड हो। वैसे मैं कर रही हूँ फरारी की सवारी, क्योंकि दिल्ली में आई हूँ और साउथ इंडियन फूड खाने की बहुत बहुत इच्छा हो रही थी और यहाँ आजू बाजू में कुछ नहीं मिलता। सो यहाँ पे हुडा मार्केट है, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा गूगल वूगल किया एंड वहाँ पर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मुझे फाइनली मिला। सो आई एम गोइंग टू हैव माई साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट देयर। फिलहाल मैं फरारी की सवारी करती हुई जा रही हूँ और यहाँ पे बिन मौसम बारिश हो रही है। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मेरे रूममेट्स बोल रहे थे धूप है, सो दे कैंसल्ड, बट आई वाज लाइक नो आई विल गो। धूप में तो क्या हुआ भाई, हमारे पास ये है, ये पहन के मैं जाऊँगी और देखो कितनी अच्छी बरसात हो रही है। आई शो यू गाइस। इग्नोर माई फेस, आई मीन इग्नोर मत करो, बट अच्छा लगता है ऐसा नो मेकअप मेकअप लुक। सो के उठ के डायरेक्ट मैं आई हूँ खाने के लिए और मैंने ऑर्डर किया है मेदू वड़ा एंड मसाला डोसा। लेट्स सी यहाँ का मेदू वड़ा एंड मसाला डोसा कैसा है। वैसे मैं बहुत ट्रैवलिंग वैवलिंग करके आई हूँ, वहाँ रहती तो सिर्फ 5 मिनट में पहुँच जाती, बट ठीक है यार, दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम सुपर एक्साइटेड और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ यहाँ का जो सिटिंग अरेंजमेंट है। फिलहाल तो कोई को साउथ इंडियन फूड पसंद ही नहीं लगता, यहाँ पे पूरा खाली है। मैं ही हूँ वो झल्ली जो आई थी खाने। एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ और मैं मेरा पानी का बॉटल भी लेके आई हूँ। गाइस ये देखिए कितना प्यारा सिटिंग अरेंजमेंट है एंड वहाँ पर है खाने का, बट दिस इज द सिटिंग एरिया। मेरा सांबर वड़ा आ गया, चलो खाते हैं और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। बहुत दिनों से मैं रुकी थी। एक और मैंने मसाला डोसा भी ऑर्डर किया है, उसे भी आने को टाइम होगा, बट तब तक मैं ये स्टार्ट करती हूँ खाना। ये देखो मेरा डोसा आ गया, डोसा विद अ लवली व्यू विद ऑल द ग्रीनरी अराउंड। चलो टूट पड़ते अब। डोसा टेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे वैसे कोकोनट चटनी सांबर एंड टमाटो चटनी दिया है। मैंने कोकोनट चटनी टेस्ट किया, मुझे इतना नहीं अच्छा लगा एंड सांबर इज़ वेरी मीठा। नॉट कंप्लेनिंग दो, बट आई एम जस्ट रिव्यूइंग फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक होता है वैसे ही है। एनीवेज आई एम गोइंग टू हैव द टमाटो चटनी इज़ वेरी नाइस। अच्छा, लेट मी एंजॉय माई फूड नाउ। हो गया मेरा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करके, अच्छा था। बहुत टाइम के बाद मैंने साउथ इंडियन फूड खाया, सो अच्छा लगा मुझे भी। बहुत मिस कर रही थी मैं डोसा खाना, स्पेशली अमूल का मसाला डोसा जो मैं वहाँ खाती थी डोंबिवली में, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। सो यस, अभी फाइनली हो गया खाके और मैंने ओला बुक कर दिया है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय राइड। आई होप आप लोगों को मेरा ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू गाइज आर इन दिल्ली, प्लीज़ डोंट कम टू दिस प्लेस, आई वोंट रिकमेंड। बिकॉज इफ़ मैं पॉजिटिव फीडबैक, आई मीन मैं जेन्युइन फीडबैक्स इफ देना चाहूँगी तो डूड, ये अंकल डोसा लगा रहे अभी। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं बस एक चीज़ फिगर आउट करने का ट्राई कर रही हूँ। नहीं नहीं ओके, एनी वेज हाँ, इफ़ मैं आपको जेन्युइन फीडबैक देना चाहूँगी तो बीइंग अ साउथ इंडियन माई सेल्फ, मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो मैं क्रेव कर रही थी। बट येस इट इज़ समथिंग गुड, आई मीन फूड इज़ गुड, बट जो मैं क्रेव कर रही थी वो तो नहीं मिला। सो यस, इफ़ आपको वो जेन्युइन साउथ इंडियन फूड टिपिकल, यू नो टिपिकल जो होता है वो खाना, तो यहाँ प्लीज़ मत आइएगा, कहीं और जाइए, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। अभी यहाँ आई हूँ, आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग माई वे आउट एंड ये सब एक्सपीरियंसेस है, बी इट गुड बी इट बैड, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। सो यस, ऐसा था मेरा कुछ सफ़र। अब
बस ओला मुझे बुक करना है, आई मीन हाँ बुक हो गया है आई गेस, कितने मिनट्स में आ रहा है, हाँ 2 मिनट्स में आ रहा है। सो मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग।